नमस्ते, आज अपन मूंगफली की मेथी बनाने वाले हैं। ये देखिए, रशे वाली मेथी बनाने वाली हूँ। और चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 10-12 मिर्ची ली है, लहसुन लिया है और आधी कटोरी मैंने मूंगफली ली है। मिर्ची को अच्छी तरह धो लेते हैं अपन। मिर्ची मैंने धो लिया है और मिर्ची को अपन ऐसे बारीक काट लेते हैं। बहुत ही सादी सिंपल रेसिपी है ये। इसको ऐसे बारीक बारीक काटना है मिर्ची को। मैं एक साथ काट रही हूँ मिर्ची को। और ये 10-12 लहसुन की कली ली है, इसको भी अपन बारीक काट लेते हैं। ये मेथी ली है अपन ने, अभी अपन गैस चालू कर लेते हैं और मूंगफली को भून लेते हैं। ये आधी कटोरी मूंगफली ली है मैंने। मूंगफली को अच्छी तरह भूनना है, इसको बार बार ऐसे परतना है ताकि मूंगफली अच्छी तरह से भून जाए। अभी अपन प्लेट में निकाल लेते हैं। मूंगफली भून चुकी है, अभी अपन ये मूंगफली को निकाल लेते हैं प्लेट में और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, मूंगफली ठंडी हो चुकी है और अपन ये छिलके निकाल लेते हैं। छिलके निकाल लिए हैं मैंने, अभी अपन मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेते हैं। ज़्यादा बारीक भी नहीं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ऐसे मीडियम साइज में मैंने पीस लिया है। अभी अपन मेथी को अच्छी तरह धो लेते हैं। ये देखिए, ऐसे पानी में अच्छी तरह धोना है। अभी अपन गैस चालू कर लेते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। अभी लहसुन डाल देते हैं। लहसुन को अच्छी तरह परत लेते हैं। अभी अपन ये मिर्ची भी डाल देते हैं। लहसुन भी अपना अच्छी तरह ब्राउन हो चुका था और इसमें अभी अपन मेथी डाल देते हैं। मेथी को अच्छे से पलट लेते हैं। मैंने ये 1/2 चम्मच नमक डाला है मैंने। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। 1/2 चम्मच नमक डाला है मैंने मेथी में। मेथी अपने अच्छी तरह से परत ली है और अभी ऊपर से थोड़ा सा अपन ने मूंगफली के दाने का पीसा था वो इसमें डाल देते हैं और मेथी को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मेथी और मूंगफली को 5 मिनट के लिए ढक्कन रख लेते हैं। इसको परत लेते हैं मेथी को। अभी थोड़ा सा पानी है इसमें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मैंने 1 लोटा पानी लिया है और इसमें मेथी में डाल दिया है। अभी थोड़ी उखली आनी है, उसको 5 मिनट के लिए अपन ढक्कन रख लेते हैं। मैंने बिना हल्दी वाली मेथी बनाई है, इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली है। ऐसी भी मेथी बहुत बढ़िया लगती है, आप ज़रूर बना के देख लीजिए। इसको अच्छी तरह 5 मिनट के लिए और ढक्कन रख लेते हैं और अच्छे से पकाते हैं मेथी को। ये देखिए, इसको ऐसे परत लेते हैं। मेथी को पकने के लिए 10 मिनट लगते हैं। ये 10 मिनट हो चुके अपने और मेथी बनके रेडी है। ये देखिए, रसे वाली मेथी बनके रेडी है। आप इसमें हल्दी डालना हो तो हल्दी भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाली है हल्दी। बिना हल्दी वाली मेथी बनके रेडी है मूंगफली के दाने के साथ। अभी अपन प्लेट में निकाल लेते हैं मेथी को।
ये देखिए रसा भी डाल देते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।